अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 22 24 62 पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन में हम पक्ष विपक्ष के सारे सदस्य इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि उच्च शिक्षा में राजस्थान में क्या हुआ, कैसे आगे बढ़े। और अध्यक्ष महोदय, पिछले 5 साल हमने उच्च शिक्षा का बजट देखा और आज 6वीं साल है जब भारतीय जनता पार्टी उस बजट को लेकर आई। माननीय अध्यक्ष महोदय, 75 साल आजादी को हो चुके हैं और हर साल एक बजट आता है जिसमें उच्च शिक्षा को लेकर वर्णन होता है, उसमें उच्च शिक्षा की बातें होती है। जो भी सत्ता पक्ष में बैठा होता है, चाहे हम हैं चाहे भारतीय जनता पार्टी है, वो अपनी पीठ थपथपाती है कि हमने उच्च शिक्षा को लेकर ये घोषणाएं की, हमने कॉलेज खोल दिए, हमने विश्वविद्यालय खोल दिए, हमने देश को भविष्य में बच्चे किस तरह से पढ़ेंगे उसको लेकर काम कर दिया। लेकिन मैं समझता हूं कि अध्यक्ष महोदय, ये सदन जिसका काम कानून बनाने का है, लॉ मेकर हम सब लोग हैं जिनको चुनकर जनता ने यहां भेजा है, लेकिन सभापति महोदय, 75 साल बाद भी आज भारतीय जनता पार्टी पीठ थपथपा रही है। ये बजट आया, अगला बजट आएगा, 5 बजट आप लाओगे, पीछे हम लाए, लेकिन आज भी जो सरकारी विश्वविद्यालय हैं उनकी हालात इस राजस्थान में है वो हम सब लोगों के लिए सोचने के लायक बात है। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में 21 सरकारी विश्वविद्यालय हैं जिनमें UGC से NAAC की A++ तो छोड़िए, एक ग्रेड का भी एक भी विश्वविद्यालय नहीं है। आज ये हम सब लोगों की चिंता की विषय है कि हर बार हम बजट लाएंगे, हम लोग घोषणाएं करेंगे, लेकिन एक भी विश्वविद्यालय ऐसा नहीं है जो एक ग्रेड में भी पूरे देश की शिक्षा में आ रहा है। 31 विश्वविद्यालयों में से जो NAAC की मान्यता की जो प्रक्रिया, उसमें हिस्सा तक ये विश्वविद्यालय नहीं ले रहे हैं। और अध्यक्ष महोदय, जितने विश्वविद्यालय हैं उनके अधिकांश कुलपति उत्तर प्रदेश के यहां जमे हुए हैं और वो ये तय तक नहीं कर पा रहे कि हमें इस प्रक्रिया में भाग लेना है कि नहीं लेना। तो ये हम सबके लिए एक सोचने की बात है कि हम लोग इस शिक्षा का ग्रेड सुधारने के लिए क्या कर पाए, इसको लेकर चिंता होगी। और इस पे अगर 5 साल में हम लोग एक भी विश्वविद्यालय को एक अच्छे ग्रेड में ला पाए तो हम समझते हैं कि कुछ काम उच्च शिक्षा के लिए हो पाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, हर बजट में ITI, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ग्रेजुएशन कॉलेज, PG कॉलेज हम लोग घोषणा ही करते हैं। व्यावसायिक शिक्षा की स्थिति यह है कि एक भी पॉलिटेक्निक और ITI करा हुआ बच्चा जब एजुकेशन लेकर बाहर निकलता है तो कितने लोग उनमें से रोजगार पा रहे हैं कि घर बैठे उनको हम लोग डिग्रियां दे रहे हैं। इस बात पर हम सब इस सदन को चिंता करने की बात है। हमें यह सोचना पड़ेगा कि केवल हम डिग्री दे रहे हैं या गुणवत्ता की पढ़ाई हम लोग दे पा रहे हैं। ITI में क्या बच्चा सीख रहा है, क्या पॉलिटेक्निक में बच्चा सीख रहा है, क्या वो BA, BSc और PG करने के बाद कहाँ रोजगार पा रहा है? आज पूरे देश में बेरोजगारी का आलम हम सब लोगों के सामने है। पिछली कांग्रेस सरकार ने 333 कॉलेज पूरे राजस्थान में खोले और जो भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य खड़े हुए उन्होंने सबने बड़ी चिंता जताई कि साहब, एक में भी भवन नहीं है, एक में भी मास्टर नहीं है, एक भी कॉलेज ठीक से सुचारू चालू नहीं है। तो ये हमने नहीं किया, आपको मौका जनता ने दिया है। तो इन पर केवल आलोचना टिक्का टिप्पणी से परे करके इनके हालात आप सुधारो, इनमें टीचर्स की, मानव संसाधनों की, बिल्डिंग की, वहां आप लोग सुविधाएं दो ताकि बच्चे पढ़ पाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ बातें मैं जो मंत्री जी उनके ध्यान में लाना चाहूंगा कि जो विश्वविद्यालय हैं उनकी जो परीक्षाएं हैं, राजस्थान विश्वविद्यालय कभी कर रहा है, जोधपुर कब कर रहा है, उदयपुर कब कर रहा है, कम से कम राजभवन से एक ये ऐसा आदेश जाए कि सारी यूनिवर्सिटीज की जो परीक्षाएं वो एक समय हो पाए,
क्योंकि जब कोई भी वैकेंसी निकलती है राजस्थान विश्वविद्यालय का जो छात्र है वो ग्रेजुएट हो गया लेकिन रिजल्ट जोधपुर का नहीं आया, तो कम से कम ये व्यवस्था की जाए कि आने वाले समय में परीक्षाएं कम से कम एक समय पे पूरे राजस्थान के यूनिवर्सिटीज की हो, ताकि जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें अपने बच्चे भाग ले पाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने पिछले समय में देखा कितनी फर्जी यूनिवर्सिटीज खुली, कितनी फर्जी डिग्रियां लेकर लोग नौकरी लग गए और जो लोग जो बच्चे उसके असली हकदार थे वो पिट गए। तो आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि उस यूनिवर्सिटीज को उनको बंद किया जाए और आप लोग जो फर्जी डिग्रियां लेकर जो नौकरी लग रहे हैं, जो इस शिक्षा की व्यवस्था को खराब कर रहे हैं, उन पर कार्यवाही उच्च शिक्षा मंत्री जी इस पर करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली हमारी सरकार राजीव गांधी स्कॉलरशिप योजना लेकर आई, उसमें जो एकेडमिक रूप से टॉपर थे उन बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए हम लोग विदेश भेजेंगे, ये व्यवस्था हमने की। और आपने आकर उसमें हमने 200 लोगों बच्चों को स्कॉलरशिप का वादा किया, आपने उसको 500 किया, इस बात के लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। नाम भी आपने राजीव गांधी जी से विवेकानंद कर दिया, लेकिन शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, पिछले जो 200 बच्चे गए उनमें से 100 बच्चे अधिकारियों के थे, 100 अफसर्स के आईएएस और अधिकारियों के बच्चे वो शिक्षा पा रहे हैं, और जिनके लिए हमने जो टॉपर्स के लिए योजना लाए वो लोग कहीं ना कहीं उससे पिछड़ रहे हैं, और जिनको विदेश भेज भी दिया उन बच्चों की भी जो स्कॉलरशिप है समय पर नहीं जा रही। तो मैं आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, नाम भले ही बदल दे, इस स्कॉलरशिप योजना जो है एकेडमिक ग्रुप से इसमें सुधार किया जाए और जो अधिकारी दोषी है उन पर कार्यवाही सरकार करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, उच्च शिक्षा की बात है, हम सब अगर इस सदन में जितने लोग छात्र राजनीति से आकर बैठे हैं वो अगर छात्र संघ चुनाव की बात नहीं करेगा तो वो अपने साथ अपनी जनता के साथ न्याय नहीं कर रहा। आज छात्र संघ चुनाव बंद है, भाजपा ये कहती है कि हमारी सरकार ने बंद किए, तो हमने भुगतान विपक्ष में बैठ के आकर, आप लोग सत्ता में हैं और उप मुख्यमंत्री जी इसके इस डिपार्टमेंट आपके पास है उच्च शिक्षा का, आप कुछ ताकत दिखाओ, हम ही आपको मुख्यमंत्री मान लेंगे। राजस्थान का जो युवा है वो कह रहे हम तो प्रेमचंद जी को मुख्यमंत्री मान लेंगे। आप अपनी ताकत को परखो और ये चुनाव आप चालू करवाओ, और हम तो ये मानेंगे कि सरकार में से किसी ने मदद नहीं की, सिर्फ प्रेमचंद जी बेरवा उप मुख्यमंत्री है, उन्होंने ये चुनाव शुरू करवा दिए, क्योंकि आप भी इस विश्वविद्यालय में से निकले हुए हैं। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे लाडनू की तरफ से दो बातें आप लोगों के बीच रखना चाहूँगा। पिछले राज्य में हमने महिला कॉलेज वहाँ स्थापना की, बिल्डिंग बन चुकी है लेकिन अभी भी भूमाफिया उस जमीन पर नजर डाले हुए हैं, बार बार रेवेन्यू बोर्ड में उसके लिए स्टे के लिए फाइलें जा रही है। आपसे निवेदन करूंगा 4 करोड़ रुपए की बिल्डिंग बनकर तैयार है, उसमें किसी भी तरह की कानूनी रुकावट ना आए, इसके लिए आप लोग सरकार की ओर से अपना पक्ष मजबूती से वहाँ रखें। हमने पिछले राज्य में बस स्टैंड लाडनू के लिए स्वीकृत कराया, पैसा भी उसका जारी हो चुका है, लेकिन राज बदलने के बाद पैसा बस स्टैंड का जारी हो चुका है फिर भी वो बस स्टैंड का काम चालू नहीं हुआ है। आपसे निवेदन करता हूं कि उसका टेंडर करा के जल्दी से जल्दी उसको शुरू करवाएं। माननीय अध्यक्ष जी, आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।